राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका और इसराइल के आगे एक इंच भी नहीं झुकेंगे। लेकिन इसराइल पर जवाबी हमले को लेकर उनके तेवर थोड़े नरम जरूर थे, लेकिन अब वो इराक को अमेरिका मुक्त कराना चाहते हैं। और इसी कड़ी में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन बगदाद के दौरे पर पहुंचे हैं। मसूद की कोशिश है कि वो इराकी सरकार को अमेरिका के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा भड़का सके, और गाजा युद्ध के बीच पेजेश्कियन का इराक पहुंचना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इराक में कई प्रतिरोधी गुटों ने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इराक से लगातार उत्तरी इसराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले हो रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि पेजेश्कियन के इस दौरे का जमीन पर असर भी दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बने अमेरिकी दूतावास के राजनयिक परिसर पर एक बड़ा हमला हुआ है। हालांकि इस अटैक में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, इराक में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि 10 सितंबर 2024 की रात करीब 11 बजे दो रॉकेट अमेरिकी सेना के करीब आकर गिरे। अमेरिकी सेना बगदाद एयरपोर्ट के करीब कैंप विक्ट्री बेस में ठहरी है। हालांकि इस हमले के पीछे आखिर कौन है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया गुट कैतब हिजबुल्ला का कहना है कि हमले का मकसद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन के दौरे को बाधित करना है। हम इस हमले की जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। आपको बता दें कि इराक में कई ऐसे गुट हैं जो सीधे सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं, और इन गुटों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक तैनात हैं, और गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इराक में अमेरिकी सेना पर हमले हो रहे हैं, और इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया जाता है। और ऐसे में पेजेश्कियन के इराक पहुंचने से पहले अमेरिकी सेना पर हमला होना इसका बड़ा सबूत है, क्योंकि खुद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इराक पहुंचते ही अमेरिका पर हमला किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल गाजा में यूरोप और अमेरिका के हथियारों से नरसंहार कर रहा है, और पश्चिमी देश उसे ऐसा करने दे रहे हैं। अगर ईरान और इराक के रिश्तों की बात की जाए तो ईरान के लिए इराक आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से बेहद ही खास है। हालांकि 1980 के दशक में इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी थी, और जब 2003 में उनकी सत्ता गई तो ईरान दोबारा से बगदाद के करीब आने लगा। हालांकि इराक ईरान और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने में लगा हुआ है, और यही वजह है कि अमेरिकी सैनिक अभी भी इराक में मौजूद हैं। लेकिन ईरान इराक को पूरी तरह से अमेरिका मुक्त कराना चाहता है।